जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक लंबे इंतजार के बाद हमारी बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जो इनॉग्रेशन का जो डेट है ना, यानी 30 जनवरी को हमारे इस बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जो उद्घाटन की डेट है वो आ चुकी है। जिनके जो आप बलिया के माननीय श्री बीरेन सिंह मस्त जी के कर कमलों के द्वारा इस ट्रेन का उद्घाटन अब 30 जनवरी को ना होने वाला है। तो आप सभी लोगों से जो है ना वो निवेदन है या फिर प्रार्थना है, अगर आप लोग बलिया रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या में है ना वो आप स्टेशन पर आए और बाकी इस उद्घाटन विशेष का आप जो है ना यहाँ पे आप भागीदारी जो है ना वो आप बने। क्योंकि अब बलिया से आप डायरेक्ट पूरा नई दिल्ली यानी अपने देश की राजधानी दिल्ली तक की जो ट्रेन यात्रा है ना वो आप करने वाले हैं। अभी देखा जाए तो हमारे अगल बगल के जिलों जैसे गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ शहरों से अब सीधा जो रेल कनेक्टिविटी है ना वो आप नई दिल्ली यानी देश की राजधानी दिल्ली तक की जो ट्रेन है ना वो अब होने वाली है। अभी तो आजमगढ़ से जो कैफियत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो चलती है, तो जो वो भी जो ट्रेन है ना वो अभी पुरानी दिल्ली तक की ट्रेन ना वो जाती है। लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि जो बलिया से जो ट्रेन है ना वो डायरेक्ट अब पूरा आपको देश की राजधानी नई दिल्ली तक की जो ट्रेन यात्रा है ना वो आपको कराएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इस बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की। इस ट्रेन की बुकिंग क्या, पूरा इस ट्रेन की बुकिंग आपको खुलेगा या फिर कब से खुलेगा या फिर इसकी ट्रेन की जो बुकिंग है वो पुरानी ही बुकिंग से खुलेगी, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी है ना वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग इस ट्रेन की बुकिंग को लेकर। तो ये जो ट्रेन की बुकिंग है ना वो आप समझ सकते हैं कि जो बुकिंग अभी फिलहाल बनारस से नई दिल्ली के बीच जो चल रहा है यानी 30 जनवरी का इसका उद्घाटन है, तो आप देख सकते हैं कि जो 30 जनवरी का जो बुकिंग चल रहा है अभी बलिया बनारस नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का, सेम वही जो बुकिंग है ना वो आपका बलिया रेलवे स्टेशन से जो है ना वो खोल दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बलिया रेलवे स्टेशन से खोला जाएगा तो उसकी फिर से उसकी बुकिंग होगी, ऐसी बात नहीं है। उसकी जो बुकिंग है अब जो बुकिंग जो चल रही है बलिया बनारस नई दिल्ली सुपर फास्ट का, सेम वही बुकिंग ना अब आपको बलिया रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेगा। इसकी बुकिंग की अभी जो है ना हमको लगता है कि एक या दो दिन में आपकी बुकिंग है ना वो बलिया रेलवे स्टेशन से खुल जाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने इस बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का, ट्रेन का टाइमिंग क्या, ये ट्रेन अब नए टाइमिंग से चलेगी या फिर के ट्रेन जो है वो कौन सी टाइमिंग से चलेगी। तो चलिए इस बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जो टाइमिंग है ना वो मैं आपको बताता हूँ। जो बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ना, इस ट्रेन का जो आपका बलिया से अगर ये जो ट्रेन है वो नई दिल्ली की तरफ जाती है तो ये जो ट्रेन है वो शाम को 7:30 पे जो ट्रेन है ना वो निकलेगी और फिर आपको गाजीपुर सिटी और औढ़ियार पे ट्रेन रुकते हुए सीधा बनारस कैंट पे, यानी जो ट्रेन है वो 22:30 पे जो है ना वो बनारस कैंट पे जो ट्रेन है ना वो पहुंचेगी। और फिर उसके बाद ये जो ट्रेन है ना अपना पुराना स्टेशन यानी बनारस रेलवे स्टेशन पे जो है ना वो अपने पुराने टाइमिंग के साथ जो ट्रेन है वो 11:10 पे जो ट्रेन है ना वो पहुंचेगी, यानी 22:30 पे बनारस कैंट पे पहुंची है। तो यानी जो 10:30 ट्रेन है ना वो बनारस पहुंच रही है, उसके बाद से 11:10 पे जो ट्रेन है ना वो आपका बनारस रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है। और बाकी बनारस से नई दिल्ली के बीच ये जो ट्रेन है ना वो अपने पुराने टाइम टेबल से जो है ना वो चल रही है। अब सेम न्यू दिल्ली से और बनारस के बीच में देखा जाए तो जो ट्रेन है ना वो न्यू दिल्ली से आपका 22:50 पे जो ट्रेन है ना वो निकल रही है, यानी 11:50 पे ट्रेन निकल रही है। और सेम अपने पुराने टाइम यानी बनारस सुबह 10:30 पे पहुंच रही है, फिर उसके बाद बनारस कैंट पे आपको 10:45 पे पहुंच रही है और बलिया आपको 1:35 पे जो ट्रेन है ना वो पहुंच रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग जो ट्रेन है वो कितने दिन चलेगी और कितने दिन नहीं चलेगी। तो जो ट्रेन है वो बलिया से मंगलवार और बुधवार को चलेगी और नई दिल्ली से सोमवार और मंगलवार को जो ट्रेन है ना वो चलेगी। तो आपको ये पूरी ट्रेन की जानकारी
कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन के जर्नी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सभी लोगों का।